यहीं पे गृह मंत्री अमित शाह आए अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि 14 से पहले मैं प्रभारी बना यूपी का, यहां पर लोग पलायन करते थे, भाग जाते थे, महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी, महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही थी, महिलाओं के साथ व्यभिचार हो रहा था, बहुत कुछ बदल गया 17 में जब हमारी सरकार आई, योगी जी की ठोको नीति ने उन सारे लोगों को ठोक दिया जो महिलाओं के साथ छेड़खानी करते थे। मैडम जरा खड़े होइए, बताइए जो आपकी एक साथी कह रही थी कि महिलाओं की सुरक्षा बड़ी चौचक हो गई है, कानून व्यवस्था का राज है, हम लोग बहुत खुले में आराम से घूम रहे हैं। जी बिल्कुल, इसके साथ साथ मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर जिस तरह हमें राजनीति में आगे हमारा पद प्रशस्त किया है, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार। अच्छा, अगला लड़ लेंगी क्या? अगला लड़ लेंगी मतलब? मतलब अरे जो वंदन अधिनियम आया है, आरक्षण मिल रहा है, तो भाई आरक्षण में चुनाव तो लड़ सकती है ना? नहीं, मैं लड़ूं या कोई और महिला लड़े इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि महिलाओं के लिए राजनीति में मार्ग प्रशस्त हुआ है। जी बिल्कुल, काम हुआ है सर। किसने किया है? कि मोदी जी बार बार आपका भार आधी आबादी को दे दिया अधिकार, मोदी जी बार बार आपका भार आधी आबादी को दे दिया अधिकार। और भी कुछ है? बहुत कुछ है, बोलिए ना। कि भारत, देखिए बहुत कुछ बोलिए, अच्छा नहीं लगेगा, लोगों पे ना जाइए, अपने पे आइए। भारत की गद्दी पर बैठा कर्म योग का योगी, भारत की गद्दी पर बैठा कर्म योग का योगी, और डर के थर थर लगे कांपने पाखंडी और ढोंगी, छा गए घर घर मोदी गूंजता हर हर मोदी, छा गए घर घर मोदी गूंजता हर हर मोदी। मोदी जी के लिए बनाया, कुछ योगी जी के लिए भी बनाई है? देखिए योगी बाबा के अलावा तो कुछ और है ही नहीं। अच्छा मैडम, ये बताइए इनका गाना भी आपने सुना, और आप तो बताइए कि आप जो महिलाओं की आवाज हैं और सारी लोग बात कर रही हैं, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, पलायन, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, हर चुनाव में रहा है, तो महिलाओं की सुरक्षा है या नहीं है? बिल्कुल 100% है। आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कह रहे हैं, मेरे हिसाब से योगी जी आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर भी आप जाएं तो महिला सुरक्षा हो चाहे पुरुषों की सुरक्षा हो, उसको लेकर के योगी जी ने जो ढोंगियों के, जो पाखंडियों के, जो गुंडों के पछाड़े हैं, अब वो जेल में नहीं, वो कहते हैं हमें बचा लो, हम तो हथियार डालने को तैयार है, बस हमें जेल मत भेजो, योगी जी से बचा लो। तो ऐसा थर्राना ये सिर्फ योगी जी और मोदी जी कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वोट मिलेगा 100% पड़ेगा सर, 100% पड़ेगा। अब की बार 400 पार। मैं भी इनकी रेखा जी की बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, जैसे 33% आरक्षण दिया गया है तो महिलाओं को भी चुनाव में उतनी ही भागीदारी करने का मौका मिले। और मिलेगा, घबराइए मत, मिलेगा। मनीषा जी से पूछ लेते हैं। मनीषा जी ये बताइए कि महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था, जो महिलाओं की आवाज है, बुलंद हुई है यहाँ पर, सुरक्षा हुआ है, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहा है, पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो आपको लगता है कि ये बड़ा मुद्दा रहा है उसका निजात सरकार ने किया है, तो उसका फायदा पार्टी को मिलेगी? निश्चित ही। देखिए महिला 50% नहीं, 51% वोटर है, तो अगर आप महिला को चर्चा का मुद्दा बनाएंगे और महिला सुरक्षा को, तो उसका निश्चित ही वोट में आपको वो आशीर्वाद देंगी सारी बहनें, जैसा कि अभी सबने कहा। और क्योंकि ये बिल पास हो चुका है, विमेंस रिजर्वेशन बिल, तो मैं मानती हूँ ये भी एक ऐतिहासिक फैसला रहा है। ठीक है, मुख्तार अंसारी भी एक बड़ी बड़ा मुद्दा बने हुए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव उनके घर गए तो उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के साथ ठीक नहीं हुआ, वो जन नेता थे, और जो उनकी मैयत में और उनके जनाजे में हजारों लोगों की संख्या में लोग आए तो कोई सामान्य मामला नहीं है, और उनके साथ ठीक नहीं हुआ। मुख्तार अंसारी एक बड़ा मुद्दा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसकी गूंज है या नहीं? ये तो आपने खुद ही बता दिया कि जिस आदमी के जनाजे में लाखों आदमी थे तो वो कुछ तो होगा, ये मैं तो कहने रहा हूँ, आपने खुद कहा कि उसके जनाजे में लाखों आदमी थे, तो जिसके जनाजे में लाखों आदमी मौजूद होंगे तो
तो कुछ ना कुछ तो भला कर। केशव मौर्य जी कह रहे हैं, भाजपा कह रही है कि अतीक के भी जनाजे में चले गए होते और जाके वहां भी कब्र पे चले गए होते। अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि भाई कुछ दाल में काला है मौत में, ये सब क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि उसके परिवार ने आरोप लगाया है कि उनको जो मारने में कुछ लोगों का हाथ रहा है, उनको जहर दे गए, जांच का विषय है और जांच चल रही है। लेकिन आपने कहा है कि उनकी मौत में लाखों आदमी शरीक हुए थे, आप बयान भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है कि लोग बता रहे हैं कि वो वहाँ के लोगों के लिए, गरीबों के लिए जो है बहुत मेहनत करते थे और बहुत उनका काम करते थे। तो जो काम करेगा उसकी तो पूजा, कर्म की तो पूजा होती है, ये हिंदुस्तान में कर्म की पूजा होती होगी। तो केशव मौर्य कह रहे हैं माफिया है और कोई दिवाली थोड़ी मनाया उनके मन। हाँ माफिया एक्चुअल में दरअसल जब से भारतीय जनता पार्टी आई है 14 से, तो जो माफिया दूसरी पार्टी में जो रहता है वो तो माफिया होता है। जैसे वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो वॉशिंग मशीन में धुल के एक ईमानदार और कद्दावर आदमी बन जाता है, भला आदमी बन जाता है। आप देख लो पूरे देश में, बंगाल का उदाहरण देख लो, महाराष्ट्र का उदाहरण देख लो। जो की सारी बातों बहुत ताली बज रही है, जो बीजेपी छोड़ के, जो दूसरी पार्टियां छोड़ के, विपक्षी छोड़ के जो बीच में गया वो वॉशिंग मशीन में धुला, वॉशिंग मशीन में धुल दे रहे हो भैया। कोई धुल नहीं रहा है, अपनी बात सुन लीजिए। ये मुजफ्फरनगर जिसको यहाँ 2000 में क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जाता था, कन की आवाज, कन की आवाज और कन्ने के साथ ओकाल की पिक्चर भी बनी है। यहाँ गुड़ की मंडी सबसे ऊपर हुआ करती थी, उसका नाश करके क्राइम कैपिटल बनाया। यहाँ पर पकड़ होती थी, अपन उद्योग चलता था 2000 के आसपास और नेता यहाँ डील कराया करते थे, अपन में कितना पैसा देना है, कितना छुड़वाना है। उसके बाद यहाँ पर मुजफ्फरनगर की पहचान बनी। एक लड़की को यहाँ एक पार्टी के नेता ने गाड़ी में खींचने का काम किया, एक पार्टी के नेता जो यहाँ के खड़े वो कह रहे हैं यहाँ गुंडागर्दी को बढ़ाने का काम किया। और 2013 खराब माहौल, मैं बताना नहीं चाहता सचिन गौरव की हत्या का टाइम किस तरह अधिकारियों को यहाँ से ट्रांसफर करा दिया गया रातों रात। और 14 के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मोहब्बत नगर बनाने का काम किया है। 14 से जब से मोदी और योगी जी की सरकार आई है, जब से आज तक यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। इन लोगों ने लोगों को लड़ाने का काम किया, झगड़ाने का काम किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।